अभी सामने है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि अभी इलेक्शन सामने होने के कारण शायद जो विपक्ष में नेता है उन पे कार्रवाई हो रही है। ये लोगों का कहना है, जिन पे कार्रवाई होती है जैसे हम सब है, तो जहां पे भी सपोर्ट करना हो वहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज क्या क्या पूछताछ हुई, किन सवाल जवाब हुए? सवाल जवाब नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं आगे कब समझ ये गया? देखो, ये जो ऑफिसर्स है ईडी के, वो उनका काम करते हैं, वो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट जो करना है वो हम कर रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिक्स है कि नहीं, तो अगर आप लोगों से पूछे, कार्यकर्ताओं से पूछे, उनका कहना हाँ है। तो अभी लोगों को ये परसेप्शन क्यों हो रही है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अभी इलेक्शन सामने दिख रहे हैं और उसी में अगर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होते हैं सिर्फ एक जन पे होती है, उस यादी में या लिस्ट में और बहुत सारे लोगों का नाम है उन पे कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ एक जन पे होती है, वो भी विपक्ष में है, इसीलिए लोगों को लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। आठ तारीख को उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, मेरे ऑफिस से कोई भी जाके वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो 12-13 तारीख के बाद वापस एक बार बुलाया जाएगा, ऐसे थोड़ा सा अंदाज मुझे आया है।